तप साक्षात् मन्यत्वार्यौ वपुरधरम्। प्रभु जी आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। जैसा स्वागत बलि महाराज जी ने वामन भगवान का किया, ऐसा ही स्वागत भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का किया था। स्वागतम भो महाभाग। स्वागत करने के बाद आज कहां मांगो क्या मांगना चाहते हैं? वामन भगवान बोले, हमारे कमंडल में जल भरा हुआ है और इससे ज्यादा हमें कोई इच्छा भी नहीं है, जल पिएंगे सो जाएंगे। तू क्या राय मांग, हमें क्या जरूरत है मांगने की? ब्राह्मण का कर्म क्या मांगना है? मांगना और मरना दोनों बराबर, तो फिर ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म है बताना। क्या कर्म है? बताना। मांगना कर्म नहीं है ब्राह्मण का, बताना कर्म है। और कोई बताने को ही समझे कि ये मांग रहा है तो फिर उसकी खोपड़ी भरा है। बताना कहा कि बोले हमारे कमंडल में जल है और इतनी ही हमारी इच्छा है, आपसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अगर तेरे घर में यज्ञ लगा और तू चाहता है मुझे कुछ देना तो अपनी मर्जी से दे। बलि महाराज जी ने कहा, आप जानते नहीं हो बाबा हम कितने समर्थ हैं, हमारे यहाँ पर आज तक जो आया उसको दूसरी बार मांगना ही नहीं पड़ा। वामन भगवान मन ही मन सोचने लगे, बोले जिससे हमने ले लिया वो दूसरे बार देने वाला ही नहीं बचा। बराबर की टक्कर है। तू बता तो तुझमें कितनी कैपेसिटी है, दे, दे। अपने कमंडल में सब कुछ समा जाता है। बोल नहीं माने महाराज, बोली देते बहुत थे, थोड़ा अभिमान था कि मैं देता हूँ। कई बार हमें भी अभिमान हो जाता है, हम दे रहे हैं हम कर रहे हैं। आपसे दो बातें कहूँ बस, इससे सारा अभिमान घुटनों में आ जाएगा। जो भी सोचे देने के बाद कि हमने दिया हमने किया, आपको पहले भगवान ने दिया कि आपने पहले दिया? बोलो, दो बातें हमेशा याद रखना, आपको भगवान ने पहले दिया कि आपने पहले दिया, और दूसरी बात आपको भगवान ने ज्यादा दिया कि आपने ज्यादा दिया। समझ गए ना भाई? इन दो बातों से समाधान हो जाता है। दुनिया बामरी नहीं है, हम पागल थोड़ी है जो चुटिया को गांठ देकर दौड़े हुए। ये रस जीवन में मिल जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए महाराज। इसलिए इस व्यासपीठ को हमें कोई प्रणाम नहीं करता, इस व्यासपीठ को दुनिया प्रणाम करती है। भगवान भी आते हैं तो प्रणाम करते हैं इस पीठ को, इतना ऊंचा पीठ इसने सब को दिया है। ये दो बातें में बैठ गई जीवन में तो कृपा हो पाए। बामन भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर देना अगर चाहते हो तो अपनी मर्जी से दो, तू बात तू बता तुझे कितनी समर्थता है। बलि महाराज जी ने कहा, महाराज जो चाहते हो सो मिल जाएगा। जब माने ही नहीं तब कहा बामन भगवान ने, मैं मांगता नहीं हूं पर तुझे बता सकता हूं क्या? तीन पग। कितने? तीन। और तीन चीजें हमारे पास होती नहीं है, तन मन धन। ये तीन ही चीजें होती हैं, तन के भीतर बैठा है मन और मन के भीतर बैठा है धन। भगवान ने कहा तीनों चीजें ले लूंगा फिर तू मेरा हो जाएगा। तीन पग मांगे तो बलि महाराज जी ने कहा और मांग लेते, इसमें क्या होगा? पहले आप छोड़ू आपके पांव और छोड़ू। बोले हमने जो कहना तो कह लिया, अगर देना है तो दोगे तो जैसे कहा गुरना में रुको बाबा बिल्कुल तैयार है ले लो ले लो नाको। बोले ऐसे नहीं तो संकल्प करके, बिना संकल्प के थोड़ी लेंगे, पता नहीं कैसी कैसी कमाई होगी, इसलिए संकल्प करके लेंगे। और संकल्प करके लेंगे तो पांच तत्वों को जाएगा, अग्नि तत्व का पाप होगा तो वहां जाएगा, पृथ्वी तत्व का पाप होगा तो वहां जाएगा, जल तत्व का पाप होगा वहां जाएगा, वायु तत्व का होगा तो वायु, आकाश तत्व होगा तो आकाश। इसलिए संकल्प किया, देवताओं का नाम लिया, जो जिस जिस देवता का पाप होगा, कान से पाप किया होगा तो देवता, नाक से पाप किया होगा देवता, आंखों से पाप किया होगा तो देवता। वो पाप हमें आरे सिर में क्यों पड़े उनको जावे, इसलिए संकल्प करवाया। संकल्प करवाती बार गुरु जी ने रोक दिया, दान मत करो। अरे दान रोकने के लिए
जी हैं, बल्कि गुरु जी को कहना चाहिए बेटा अगर तुझ में समझता है तो देख दे। और जो गुरु जी को पढ़ाते गुरु जी ये थे कि दान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दान देने की बारी आई तो गुरु जी रोकने लगे। बलि महाराज जी ने कहा हम नहीं रोकेंगे, हम तो देंगे, हमने तो कह दिया संकल्प भी करेंगे। तो गुरु जी जल जीवन कर्म लिखा में घुस गए जल पात्र में। तो महाराज बामन भगवान ने हाथ में ली हुई कुशा से प्रहार कर दिया और गुरु जी की एक आंख फोड़ डाली। क्यों? दो दृष्टि वाला गुरु नहीं चाहिए, गुरु जी की एक दृष्टि चाहिए। गरीब चेला हो, दिहाड़ीदार चेला, 10 रुपया कमाने वाला भी हो, उसके लिए सीताराम उसका भी भला करे भगवान, ये मनोकामना हो। और कोई सेठ साहूकार मंत्री संतरी हो, वीआईपी हो, महाराज क्लास वन हो, वो भी आ जावे तो वहां पर भी भगवान इसका भला करे। कोई बड़ा आ जाए तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, और कोई सरल आ जावे तो चल झाड़ू देगा। अगर ऐसी भावना गुरु जी की हो तो फिर वो गुरु जी नहीं है, फिर तो भगवान ही मालिक है। लाल जी गुरु आज सी चेला दोनों नरक में ढेल ढेल। बोलो राधे राधे। आज संकल्प पूर्ण हो गया, गुरु जी तो निकल गए कान पकड़ के बाहर। अब संकल्प हुआ, और संकल्प हुआ तो छोटे, और जब मापना प्रारंभ किया तो ऐसा रूप बढ़ाया, ऐसा रूप बढ़ाया कि त्रिविक्रम रूप बनाया। और त्रिविक्रम भगवान का रूप बनकर आज बलि महाराज नूपुर देखते 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 कुबड़िया से जो है तो मुकुट भी गिर गया, नेत्रों के कोरों से अश्रुपात आ गया। तीन ही चीजें तो थी बलि के पास, भूरलोक था, भूर लोक था और स्वर्ग लोक था। दो लोक तो चले गए चरणों में। आखिर में कुछ भी नहीं बचा था, एक चरण रह गया था, पर जाना हो जा भी। भगवान ने कहा ले तो लिया मैंने सब कुछ तुझसे, बोला अब क्या चाहिए, तीसरा चरण कहां रखूं? नहीं रख दो महाराज, स्वीकार कर दो। तो तीसरा चरण भगवान ने सिर पर रख दिया। माने जो धन में आ सकती थी पहले उस धन को लिया, पहला चरण। दूसरा मन की वजह से थी उस मन को ले लिया, और ये दोनों कहां थे? शरीर में, माने तन में। और तीसरे चरण में बलि को स्वीकार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान, सब कुछ ले लिया, खुद को भी दे दिया। भगवान हो गए छोटे, छोटे बनकर मुस्कुरा कर बोले कैसी रही? बोले रही बड़ी बढ़िया महाराज, पर तीसरे चरण में ये खोटा सिक्का मिला आपको, क्या मेरे पास बहुत होता तो और देता आपको, बस इतनी सी बात कहकर भगवान नहीं चले। देने के बाद कभी, देने से पहले विचार करना चाहिए, देने के बाद कभी पछतावा मत करो, नहीं तो हाथ में केवल परिश्रम लगेगा, फल नहीं लगेगा। समझ रहे हैं माता? पहले देने से पहले सब व्यवस्था तैयार कर लेनी चाहिए, देने के बाद कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। हरिद्वार गंगा स्नान करेंगे, आरती बार करेंगे, अरे महाराज क्या बताएं, वहां पर पंडा जी मिले 150 रुपए ले लिया हमसे, बस इतनी वैल्यू थी, 150 रुपए में सब मामला निपटाया था, कुछ नहीं मिला तुझे। देने से पहले विचार करें, देने के बाद तो केवल धन्यवाद करें भगवान कि मुझे देने वाला बनाया है। बलि महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, इतना प्यारा चरित्र है। भगवान के सामने बोले और होता तो और देता, भगवान ने कहा ये पहला देने वाला है जो बाद में ये नहीं कहता कि सब कुछ ले लिया, और खुश हो गए, भूल गए कि मांगने आया हूं, आज देने के लिए तैयार हो गए। मांग बलि, क्या मांगना चाहता है? क्या मांगना चाहता है? बलि महाराज जी ने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़कर बोले प्रभु जी आपका दर्शन करने के बाद भी क्या मांगना रह जाएगा? भगवान का दर्शन करने के बाद अगर मंगतापन रह जाए तो फिर क्या दर्शन होगा भगवान का? हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अब भगवान ने कहा तू लेगा नहीं तो मैं ऋणिया हो जाऊंगा। अरे राम राम, आप ऋणिया नहीं होने चाहिए प्रभु जी, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहना चाहिए, आपके ऊपर कोई बोझा नहीं चाहिए, हमें वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा मांगा जो हम सबको मांगना चाहिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए।